सो हाई गाइज, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो आज मैं जा रही हूँ हल्द्वानी और मैं हो गई हूँ रेडी और सेम हुडीज पहन के जा रही हूँ। मैं ब्लैक जीन्स कुर्ता एंड ये और वो वाले स्लीपर पहन के जा रही हूँ, वहाँ पे देखते हैं आपको ये। तो गाइज, गाड़ी वाले अंकल जी अभी 8:30 तक आने वाले हैं और ये मैंने इसलिए पहना ना क्योंकि आज बारिश भी आई थी, मतलब तो बहुत ठंडा हो रहा है, तो यही पहन के जा रहा हूँ। और स्टॉल नहीं तो मैंने पहले सोचा था ना ये वाला पहनूंगी करके, बट अब मैं नहीं पहन रही हूँ, इसे बैग में डाल देती हूँ और चाय पीती हूँ। मैं रेडी हो गई हूँ और मेरा रूम कितना खाली खाली लग रहा ना, इतना अजीब लग रहा मुझे अपने रूम से जाने में। और सारा सामान पैक कर दिया मैंने, अभी मोहन दाव भी आ गए सामान लेके, तो अब जाते हैं। गाड़ी वाले अंकल जी ने थोड़ा सा लेट कर दिया क्योंकि उन्हें और सवारी मिल गई थी, तो वो नाश्ते से फिर और उसी साइड को गए। तो बाय बाय बाय, जय खाने खाते हैं जी। अरे गाइस, यहाँ पे गाड़ी आ गई और घर में आज जगह ही नहीं है। और हाय हर्षू, तो भुवन ताओ लोग ताई लोग भी सामान पहुँचाने तक जा रहे थे। तो यहाँ पे मैं गाड़ी में बैठ गई और मैंने सब लोगों को बोल दिया बाय बाय, और थोड़ा इमोशनल मोमेंट होता है ये। तो मैं निकल गई हूँ गाइज, और थोड़ा सा अजीब लग रहा मुझे आज, पता नहीं क्यों। और अभी मैं जिस लोकेशन पे पहुँची हूँ ना, यहाँ का व्यू बहुत अच्छा है, बट यहाँ छल वगैरह लग जाता है करके सुना है मैंने। तो गाइज, अभी हम लोग पहुँच गए रायगर से आगे और सेरा घाट पर खाना खाएँगे हम लोग, मच्छी भात। और अजीब ही टाइप हो रहा है गाड़ी में गाइज, सर दर्द हो गया बहुत टाइम बाद, इतनी लंबी ट्रैवलिंग कर रही हूँ मैं, कितना टाइम हो गया, 1-2 महीने से ज़्यादा हो गया शायद, और सर में दर्द हो रही है गाइस। और घर से आने में तो थोड़ा सा अजीब लगता ही है, बस मम को देखी। मैंने जूड़ा बना दिया और सर पे हुडीज का कैप डाल दिया है, और बहुत ठंडा भी हो रहा है रास्ते में। और मैं इतनी धीरे आवाज में इसलिए बोली क्योंकि और लोग भी बैठे ना, तो थोड़ा सा अजीब लगता है गाड़ी में। और मैं खुशी मिरर में भी देखी। तो सेरा घाट में पहुंच के मैंने खाया मच्छी भात, लेकिन मच्छी के पीस नहीं खाए, वो इसलिए नहीं खाए, ये देखो गाइज पूरी मच्छी थी और मुझे ना घिन लग गई। सूप अच्छा हुआ था बट मच्छी उतना खास नहीं हुआ था। ये आंटी मेरी ननिहाल की है और इनकी डॉटर मेरा वीडियो देखती है, तो ये बोले थे वो भी वीडियो देखते हैं, फिर मैंने इन्हें भी निकाला, इन्हें अच्छा लगा और इन्होंने रोटी खाया मैंने। सो अभी मुझे दिखी आर्मी वाली गाड़ी, और मैं तो इंडियन आर्मी की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ ना, तो बहुत अच्छा लगता है मुझे ये गाड़ी दिख के। और अभी मैं कैंची धाम पे पहुँचने वाली हूँ, वेट कर रही थी मैं कब जो आएगा करके। और सच में जब मैं यहाँ पहुँची इतना सुकून मिला ना, वो सुकून कहीं नहीं मिलता, पता नहीं क्यों। अगर हमारी ना पर्सनल गाड़ी होती तो हम लोग यहाँ पे ज़रूर उतरते, लेकिन ये सवारी वाली गाड़ी थी इसलिए हम लोग चले गए सीधे। और यहाँ बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, लोगों में इतनी आस्था है भगवान के प्रति, बहुत अच्छा लगा, इतना मानते हैं भगवान जी को। मैं खुद ही बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ नीम करोली बाबा जी पे। और ये यहाँ का पार्किंग एरिया है, वैसे यहाँ ना मतलब यहाँ के लोकल लोगों को बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉफिट मिला है वैसे, कि बाहर से लोग भी आते हैं, उन लोगों का बिजनेस अच्छा चलता है, तो बहुत अच्छा लगा। बाबा जी की कृपा सब पे बने रहे, हम पे बने रहे, आप लोगों पे बने रहे, और जो यहाँ के लोकल लोग हैं उन लोगों पे भी उनकी कृपा हमेशा बनी रहे। और गाइज आगे व्यू भी देखिए, अभी मैं पहुँच गई हूँ भवाली, ये भवाली का तिराहा है और यहाँ शॉप देख सकते हो आप लोग साइड से। मैंने फ़र्स्ट बार ऐसे कैप्चर कर रखा है क्योंकि मैं फ्रंट में बैठी थी और मुझे अच्छा लगता था तो मैंने कैप्चर किया। ब्लॉग तो बहुत छोटा बना बट जितना भी बना आप लोगों के लिए मैंने बनाया, और मैं खुद को भी दिखाती हूँ। बगल में जो भैया बैठे हैं ये मेरे ननिहाल साइड के हैं, और ये MBPG कॉलेज के संयुक्त सचिव भी रह चुके हैं। और ये भीमताल में ही, सॉरी भवाली में ही बहुत प्यारा सा मंदिर है, तो आप लोग देख सकते हो। अभी मैं पहुंच गई हूँ भीमताल, और भीमताल में भी बहुत ठंडा हो रहा था गाइज। जो भी यहाँ पे आते ना इस चीज़ की वीडियो ज़रूर बनाता है, तो मैंने भी बना लिया। और ये दूर से हल्द्वानी दिख रहा है गाइज, पहाड़ों से कितना अच्छा लग रहा है, मुझे ऐसा लगता है ना जैसे इंडिया का मैप बना है नदन साइड का, वैसा ही लगता है। तो थैंक यू गाइज।